नमस्कार, न्यूज 18 गुजराती में आपनु स्वागत छे। हूँ छू रिंकल। समाचार की शुरुआत करिए तो अमदावाद में सोला में भव्याती भव्य उम्याधाम कैम्पस और मंदिर निर्माण कार्य भूमिपूजन कर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हस्ते और पूर्व नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल अध्यक्ष स्थाने योजना भूमिपूजन कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित रहा। उपरांत राज्यभर में पाटीदार समाज की 43 धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं आगे जोड़ाया। सोला में 1500 करोड़ खर्चे उम्याधाम कैम्पस तैयार कराई रही है। मां उम्या मंदिर की ऊंचाई 131 फूट और लंबाई 235 फूट रहे। मां उम्या सौथी मोटू मंदिर बनवानू छे, जेमां सोमपुरा पत्थरों उपयोग कराशे। धार्मिक संकुल साथे साथे अहीं समाजना विद्यार्थियों स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करी शके ए माटे शैक्षणिक संकुल अने होस्टेलनुं निर्माण कराशे। भोजनालयनी पण व्यवस्था कराशे, तो अद्भुत बेंक्वेट हॉल अने पार्किंगनुं निर्माण पण कराशे। 74,000 वार जग्यामां जुदा जुदा संकुल पण बनावाशे। विनंती करीशुं साहेब श्रीना स्वागत माटे मंच पर झडपथी पधारशे। तो आ भव्याति भव्य मंदिर निर्माण करवामां आवशे, जेमां दरेक भक्तो सहभागी थई शके माटे दान करी शके ए प्रकारनी दरेक प्रकारनी व्यवस्था पण गोठववामां आवी छे। सीएम ना हस्ते उम्यामां कैम्पस नू भूमिपूजन करवामां आव्युं। 102 वर्ष जूनी कड़वा पाटीदार संस्था श्री कड़वा पाटीदार समाज केळवणी मंडळ कारेलीबाग वडोदरा मंदिर सोमपुरा पत्थरो थी तैयार करवामां आवशे। मंदिर नुं आयुष पत्थरो थी बनतु होय त्यारे हजारो वर्ष नुं बनतु होय छे। शिल्प कला अने वास्तु कला नो संगम साथे हिंदू संस्कृति ना रीत रिवाज प्रमाणे मंदिर निर्माण थशे। आ मंदिर निर्माण नी अंदर दरेक जन जन नी भागीदारी गोठवाय एटले फक्त रूपया 500 नुं ईट दान अने 5,000 रूपियानुं शिलादान नी योजना करी छे, जेथी करीने अंदर लाखो मां उमा भक्तो आ निर्माण कार्य नी अंदर भाग लई सके। मंदिर नी साथे साथे दीकरा दीकरीओनी होस्टेल बनशे, जेनी अंदर 1200 दीकरा दीकरीओ रही सकशे एवी सुविधा आपवामां आवशे। 200 જેટલા દીકરા દીકરીઓની વર્કિંગ હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે અને અહીંયા પાર્ટી પ્લોટ, ભવ્ય બેન્ક્વેટ હોલ, સમગ્ર જનજનની લોકો ભોજન પ્રાપ્ત કરી શકે એવું ભોજનશાળા અને રહેવાની ઉત્તમ સગવડ સાથે અહીંયા ગેસ્ટ હાઉસની સુવિધા, આમ સામાજિક શૈક્ષણિક અને જુદા જુદા પ્રકારોનું અહીંયા સંકુલો બનાવવામાં આવશે। અમારા ફ્યુચર પ્રોજેક્ટની અંદર અહીંયા મેડિકલ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવશે। અહીંયા તમને અત્યારે વાત કરું તો અમારા જ કેમ્પસમાં 4500 દીકરીઓ ભણી રહી છે, માત્ર 4500 દીકરીઓ આ જ કેમ્પસમાં ભણી રહી છે। BBA, BCA, MBA, આર્ટ, સાયન્સ, કોમર્સ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી અને 9, 10, 11 અને નર્સિંગ, તો મને કહેતા આનંદ થાય આ બધી પૈસા ખર્ચ્યા પાટીદારોએ। અમે બધા સમાજના લાભ માટે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ, નહીં કે પાટીદાર સમાજ। પાટીદાર સમાજ એ દરેક સમાજને સાથે લઈને ચાલતો સમાજ છે। राजकोट में फी मामले उन्नत